सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमें वहां की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जेपी शर्मा सीधे जेपी का रुख करते हैं। जेपी आप मौजूद है वहां, अभी देखा हमने किस तरीके से सजावट की गई है और क्या कुछ आज खास है वो भी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए आप सुंदर झांकियां तो लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह सुंदर झांकियां निकल रही हैं। थोड़ी देर में ये जो झांकियां आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये झांकियां यहीं से गुजरेंगी, राम मंदिर के सामने से ये झांकियां गुजरेंगी और उसी का हमें भी इंतजार है। लेकिन ये फिर मैं एक बार दर्शकों को दिखा दूँ, भव्यता और दिव्यता, लोगों में उत्साह बना हुआ है, लोगों में जोश बना हुआ है, रंग बिरंगे फूलों से गेटों को सजाया गया और ये कई सौ हज़ार क्विंटल आपको बता दें कि फूल ये पूरे यहाँ राम मंदिर के गेट पर ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि ये जगह जगह पूरे अयोध्या नगरी राम नगरी में लगाए गए। बहुत लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी पहुँच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए तो बाबा की नगरी से आए। हाँ, बाबा तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी उम्र है आपकी? अरे बहुत है। कितनी हो गई? अब एक दिन है। अच्छा, पहली बार दर्शन करने आई है? कैसी लगी अयोध्या? अरे मस्जिद टूट गई। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, तो आपको लगा कि वाकई में त्रेता युग जैसी अयोध्या? बहुत बहुत सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। हमारे जमाना में योगी जी के काम से खुश हैं आप? तो ये देखिए बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, एक महात्मा जी भी है। महाराज जी कहाँ से आप आए? हम यही अयोध्या से हैं। अयोध्या से? तो अयोध्या सज धज कर तैयार? एकदम तैयार है। जय फिर जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हम बनारस से हैं सर। बनारस तो बनारस में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है वहाँ पर होता है, तो यहाँ की और वहाँ की में कितना फर्क है सर? हम लोग अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे निर्माण भी कर रहे हैं, हमारी कंपनी, हम कंपनी के एम्प्लॉई हैं। अयोध्या धाम जो जंक्शन बन रहा है वो हम लोग उसमें कार्यरत हैं। महाराज जी कुछ हो जाए गुनगुना देंगे, आज का खास मौका है। बस हनुमान जी का, राम जी का नारा लग जाए और क्या। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सागन से? सागन से। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या में आपके? क्या डेकोरेशन है यहाँ, अलग ही तरह की, एकदम रौनक बहुत ज्यादा है यहाँ। अलौकिक है, एकदम अलौकिक। राम मंदिर के बाद पहली दिवाली हो रही है। हाँ, जी 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 जी। तो कैसा लगा यहाँ, दर्शन हो गए? हाँ, हो गया। आप कहाँ से आए हैं? श्रावस्ती से। श्रावस्ती से आए, किस तरह का उत्साह, किस तरह का, क्योंकि छोटी अच्छा दीपोत्सव कार्यक्रम भी देख कर जाएंगे? जी जी। देखिए यहाँ लोगों में काफी उत्साह है, लोगों में सुल्तानपुर बनारस घाट नंबर 31 पे दिया जलाना है, रात को भव्य दर्शन करके फिर वापस राम की पैड़ी 31 पे दिया जलाना है। आप आने के बाद जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नारा, भगवान जी के दर्शन करके राम, जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। ये देखिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं, कुछ वॉलंटियर हैं, कुछ यहाँ पर लोग हैं। आप कहाँ से आए? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए? देखिए नेपाल से भी लोग आए, तो कैसा लगा इंडिया आकर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो आप नेपाल के मूल निवासी हैं? हाँ, नेपाल के ही मूल निवासी हैं। तो क्या कहेंगे अयोध्या नगरी को, राम की नगरी, क्योंकि नेपाल और भारत का बड़ा रिश्ता और खासकर राम और सीता के, उसकी वजह से सब कनेक्शन वहाँ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। मैम आपका नाम क्या है? उसमें अधिकारी। कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं कि त्रेता युग जैसी राम नगरी है, तो अब यहाँ दीपोत्सव कार्यक्रम भी देखेंगे आप लोग? देखेंगे। शाम को तो देखना ही है ना। हाँ। बैठेंगे, देखेंगे, एक दो दिन रहेंगे, देखेंगे, तब जाएंगे। आनंद आ रहा है? एकदम आनंद। एंजॉय कर रहे हैं आप? एकदम। ये डेकोरेशन कैसी लग रही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। फिर हो जाए नेपाल की तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। आप बोलिए जोश में। तो देखिए गजब का उत्साह, दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ ये तस्वीरें आप, फिर मैं एक बार दर्शकों को दिखा दूं, जो लोग अगर अयोध्या नहीं आ पा रहे, घर बैठकर आप दिवाली मना रहे, हो सकता है कि आपको आने का मौका नहीं मिला हो या आने की सोच भी रहे हो, तो ये वाकई में दिवाली के अगर कहा जाए कि त्रेता युग जैसी दिवाली है, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है। क्योंकि आपने पहले जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी वहां पर मौजूद थे, वहां तब से और आज का नजारा में कितना अंतर नजर आ रहा है और किस तरीके से लोगों को दर्शन हो रहे हैं और तैयारियां जो नए कीर्तिमान बनाने की हैं वो कैसी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैंने कहा कि 28 लाख दिए जलाए जाएंगे और 28 लाख दिए जाएंगे जो ड्रोन से जिनकी काउंटिंग होगी, जिसका एक रिकॉर्ड बनता है। हालांकि ये है कि कम से कम 25 लाख का तो रिकॉर्ड बने, वही कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग हैं, सभी से पूछते हैं सर कहाँ से आप आए? हम कलकत्ता से आए। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि बदली है राम नगरी? पहले कभी आए आप? नहीं, पहले नहीं आए, बहुत सुना था। सुंदर है, आप आए कभी अयोध्या? जी हम कई बार आए, लेकिन अब की बहुत अच्छा लगा। दीप उत्सव भी अच्छा है, मंदिर भी बन चुका है, 500 वर्ष बाद पहली बार दीप उत्सव मनाया जा रहा है।
जी। तो दीप उत्सव मना रहा है, आप कब आए? हम भी आप आपकी पहली बार आए हैं, कल आए हैं अभी और देख रहे हैं। पहली दिवाली आपकी यहाँ? हाँ पहली दिवाली है यहाँ। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छी लग रही है। आज आनंद उठाएंगे दीप उत्सव जी, आज पूरी रात देखेंगे जी। बहुत अच्छा है। जय श्री राम। जय श्री राम लोगों में। आप कहाँ से भैया? भैया मैं उन्नाव जिला से हूँ। उन्नाव जिले से आए? क्या पैदल यात्रा जी? पैदल यात्रा है 240 किलोमीटर करके। अच्छा जी, तो क्या पहले भी आए आप? नहीं पहली बार ही आए, दीपावली में पहली बार ही आए। दीपावली वाकई में बदली है अयोध्या जी? बहुत ज्यादा बदली है, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मतलब इतना सारा डेकोरेशन देख के और जो राम मंदिर की स्थापना हुई वो सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं। भैया आप कहाँ से आए? भैया हम आजमगढ़ से आए। आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हर जिले का आदमी आपको यहाँ मिलेगा, हर राज्य का आदमी यहाँ मिलेगा, हर कोई उत्साहित है, हर कोई चाहता है कि कैमरे में तो हो जाए। जय राम, जय 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 श्री राम, जय जय। क्या कहेंगे अयोध्या नगरी के लिए? बहुत ही बढ़िया, ये सनातन धर्म की जीत है जान लीजिए। ये एक हमारे लिए ये बहुत बड़ी, हम बहुत सौभाग्यशाली है जो हम लोग के सामने भगवान राम के पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, भगवान राम जी का। कहते हैं योगी जी कि हमने देखा अयोध्या को त्रेता युग जैसी बना देंगे, तो उसकी भव्यता लग रही है? पूरी भव्यता है ये, आपको पूरे अयोध्या नगरी में ये दिखाई देगी। ये अयोध्या नगरी है हमारे प्रभु श्री राम की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सारे लोग हैं, आप कहाँ से हैं? मैं वैशाली से हूँ, वैशाली से, बिहार से। बिहार से यहाँ पे मैं दीपोत्सव और ड्रोन शो देखने के लिए आया हूँ। तो पहली बार आए या पहले भी आए? नहीं नहीं पहली बार आया हूँ, पहली बार अयोध्या। लगा कि वाकई में अयोध्या है राम की नगरी? वाकई में लगा, योगी जी का देन है और मोदी जी का, यहाँ पे जो भी काम हुआ है एकदम टॉप नॉच हुआ है। जी कैसी लग रही है, आप कहाँ से हैं? हम आए हैं सर गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश। जी जी, तो कैसा लगा अयोध्या पहली बार? बहुत बहुत खूबसूरत लगा सर। पहले भी आए? हाँ पहले आए थे, लेकिन पहले पुराना अयोध्या। राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको लगा कि बदली है? आ गया सर एकदम। जी मैडम जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है हेमा जी। कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई तो दीपोत्सव भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे? टाइम का देखते हैं, हो जाए फिर। जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए बहुत सारे लोगों में उत्साह उमंग है, बहुत सारे लोग यहाँ जगह जगह से पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। कहाँ से आप आए लोग? हम मुंबई से, ठाणे। मुंबई से आए? हाँ। देखिए मुंबई का भी आदमी यहाँ घूमने आया है दीपोत्सव का, कहीं ना कहीं दिवाली का। तो क्या कहेंगे, कैसी लगी है नगरी? 500 साल बाद अपने राम अपने जगह पे आए हैं, तो खुशियां मनाएंगे हम, वो भी यहाँ आके मनाएंगे। तो लगता है कि योगी जी ने वाकई में अयोध्या का, योगी जी ने इतना अच्छा किया, क्योंकि मैं गए साल आया था, पूरी जगह पे यहाँ पे चालू थे सब काम, लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा स्वर्ग नीचे आ गया है। स्वर्ग जैसी जय हो योगी जी की, जय हो मोदी जी की, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराष्ट्र से, जय श्री राम। अम्मा पहली बार आई इधर? पहली बार आ गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा आप भी आए पहली बार? बोलो फिर जय श्री राम, जय गाना। अच्छा। कलकत्ता। तो कैसा लगा? ए, बहुत बहुत बढ़िया है, व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है बहुत। जिस तरह सज गई है, बहुत फूलों से सजाया गया है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है, आनंद आ रहा है। बहुत दर्शन दर्शन हो गया, दर्शन बहुत ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ हर जगह से आपको लोग जो है जगह जगह से पूछ रहे हैं, क्या है सरयू नदी का है? सरयू नदी आगे है, तो सरयू नदी यहाँ अभी आपको कैसा लगा राम मंदिर? खूब सुंदर है। अच्छा। सुंदर है। अच्छा। आनंद आ रहा है? आनंद है। देखिए आनंद आ रहा है, ये बहुत दूर दूर से लोग आए, कोई आंध्र प्रदेश से आया, कोई तमिलनाडु से आया। एक बार फिर मैं दर्शकों को दिखा दूं कि ये किस तरह की भव्यता और दिव्यता आप देखिएगा। रंग बिरंगे फूलों से यहाँ पर सजाया गया है, यहाँ देखिए फूलों से भव्यता और जो सुंदरता है वो साफ दिखाई दे रही है। लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या की। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके का वहां नजारा है। तैयारियां किस तरह की गई है। इस बार भी राम नगरी हर बार की तरह दुल्हन की तरह सजी है, दिखाते हैं आपको। क्योंकि रामनगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है, इसी को लेकर तैयारियां और दीपोत्सव के रिकॉर्ड कुछ अलग ही है। सजावट कुछ ऐसी है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। दरअसल रामनगरी में इस बार 28 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। वॉलंटियर लगातार लगे हुए हैं। अब 8वें दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इससे पहले ही रामनगरी भव्य और दिव्य दिखने लगी है। रामनगरी अयोध्या दीपोत्सव को लेकर पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप सभी को बता दें कि ये पहली दिवाली है, पहला दीपोत्सव होने जा रहा है। लेकिन इस दीपोत्सव में
एक नया रिकॉर्ड फिर बनने जा रहा है और वो है 28 लाख दिए राम की पैड़ी यानी घाटों पर जलाकर। आपको बता दें दीपोत्सव 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं दीपोत्सव के साथ अयोध्या में दिव्य लेजर लाइट शो और साउंड शो करने की भी तैयारी है। हाल ही में इस लेजर शो के रिहर्सल का वीडियो भी सामने आया है जो अयोध्या के इतिहास और धार्मिक धरोहरों को एक नई दृष्टि से दिखाने का प्रयास करता है। दीपोत्सव में साउंड एंड लेजर शो, आतिशबाजी और ड्रोन शो बहुत खास होगा। भगवान राम की नगरी त्रेता की अयोध्या के रूप में सजाई और संवारी जा रही है। दीपोत्सव के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु यहां उमड़ते हैं जो अयोध्या भगवान राम की नगरी में दीपों से जगमगाते देखने के लिए आते हैं। और चलिए फिर से एक बार रुक करते हैं जेपी का, क्योंकि लगातार वो हमें तस्वीरें यहां तक पहुंचा रहे हैं। जेपी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और जहां ऐसा देखा जाता है कि दिवाली के मौके पर लोग अपने घर पर रहते हैं, लेकिन इस दीप उत्सव में शामिल होने के लिए, वहां का नजारा देखने के लिए स्पेशली दूर दूर से लोग पहुंचे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैं जिक्र भी कर रहा था कि दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और अभी राम मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर शाम को दीपोत्सव कार्यक्रम में उसमें हिस्सा लेंगे और हर कोई यहां से राम मंदिर के दर्शन करने के बाद दीपोत्सव के लिए निकल रहा है। क्योंकि जो 28 लाख दिए, जब रात का वक्त होता है ना दिवाली, आप लंबा सफर भी करके आएंगे तो आप थक गए तो वो थकान महसूस नहीं होती है लोगों को। आप कहाँ से आए भैया? रायबरेली। रायबरेली से तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, पूरा दृश्य बदल दिया योगी जी ने। योगी जी ने दृश्य बहुत बहुत अच्छा लग रहा। योगी जी ने लगा कि वाकई में अयोध्या में बिल्कुल काम किया, बिल्कुल किया है। तो हो जाए फिर जय श्री राम। अब यहाँ एक नया रिकॉर्ड है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार हुआ यहाँ पर। जी नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। तो कुछ बदला पहले? बहुत बदला। देखिए ये एक बड़ी बात है कि लोग मानते हैं बदला भैया कुछ नहीं, बहुत कुछ बदला और बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार ऐसा है कि जब राम मंदिर बना उसके बाद हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए। मैं गुजरात से आया हूँ और बहुत शानदार, बहुत अच्छा। गुजरात से आया आप? जी जी। तो आप पहली बार आए? हाँ, ये पहली बार आया और वो भी तब आया जब मंदिर बन गया। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे और मैं कह रहा था कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और देखिए यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। सर आप कहाँ से आए? कर्नाटक उडुपी से। अच्छा, तो कैसी लगी अयोध्या नगरी? बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा आपको? बहुत है। बहुत। पहली बार आना हुआ? पहली बार आना हुआ। अच्छा, तो कैसा लगा अयोध्या का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम। तो आप लोग कहाँ से आए सभी? कर्नाटक से। कर्नाटक से आए, तो फिर हो जाए कर्नाटक वालों की तरफ से जय श्री राम। कर्नाटक से लोग हैं? एमपी, मध्य प्रदेश से आए आप। तो कैसा लगा ये अयोध्या? बहुत प्यारा लगा। हमारे तो राम है, हमारे राम है और रहेंगे। जय श्री राम। पहली बार आए आप? नहीं, हम पांचवी बार। अब जब राम मंदिर बन चुका है उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कैसी? गुजरात से। गुजरात से आए हैं तो ये प्राण प्रतिष्ठा में विश्व का सब लोग इधर आ रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक अपनी संस्कृति है, वहाँ दृश्य देखा कि अपनी भारतीय संस्कृति कैसी होती है। तो सिंह जैसी हिम्मतवान होती है, हाथी जैसी बलवान होती है, उनकी पकड़ मगरमच्छ जैसी होती है। तो भारतीय की संस्कृति का संत शास्त्र और मंदिर वही बढ़िया। ठीक है जेपी, जो लोग हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, वो साफ नजर आ रहा है। बरेली आप हमारे साथ लगातार अपडेट भी लेंगे, वहां का नजारा भी देखते रहेंगे। लेकिन कल